कुंड निर्माण एवं अग्नि स्थापन संबंधी कार्य आदि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं अग्नि संबंधी कार्य का वर्णन करूंगा जिससे मनुष्य संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं का भागी होता है। 24 अंगुल की चाकोर भूमि को सुत से नापकर चिन्ह बना दें, फिर उस क्षेत्र को सब ओर से बराबर खोदें। 2 अंगुल भूमि चारों ओर छोड़कर खोदे हुए कुंड की मेखला बनावे। मेखलाएं 3 होती हैं, जो सत्व, रज और तम नाम से कही गई हैं। उनका मुख पूर्व अर्थात बाह्य दिशा की ओर रहना चाहिए। मेखलाओं की अधिकतम ऊंचाई 12 अंगुल की रखें, अर्थात भीतर की ओर से पहली मेखला की ऊंचाई 12 अंगुल रहनी चाहिए। उसके बाह्य भाग में दूसरी मेखला की ऊंचाई 8 अंगुल की और उसके भी बाह्य भाग में तीसरी मेखला की ऊंचाई 4 अंगुल की रहनी चाहिए। इसकी चौड़ाई क्रमशः 8, 2 और 4 अंगुल की होती है। योनि सुंदर बनाई जाए, उसकी लंबाई 10 अंगुल की हो, वो आगे आगे की ओर क्रमशः 6, 4 और 2 अंगुल ऊंची रहे, अर्थात उसका पिछला भाग 6 अंगुल, उससे आगे का भाग 4 अंगुल, उससे भी आगे का भाग 2 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। योनि का स्थान कुंड की पश्चिम दिशा का मध्य भाग है, उसे आगे की ओर क्रमशः नीची बनाना चाहिए। उसकी आकृति पीपल के पत्ते किसी होनी चाहिए, उसका कुछ भाग कुंड में प्रविष्ट रहना चाहिए। योनि का आयाम 4 अंगुल का रहे और नाल 15 अंगुल बड़ा हो। योनि का मूल भाग 3 अंगुल और उससे आगे का भाग 6 अंगुल विस्तृत हो। ये एक हाथ लंबे चौड़े कुंड का लक्षण कहा गया है। 2 हाथ या 3 हाथ के कुंड में नियमानुसार सब वस्तुएं तदरूप द्विगुण या त्रिगुण बढ़ जाएंगी। अब मैं 1 या 3 मेखला वाले गोल और अर्धचंद्राकार आदि कुंडों का वर्णन करता हूँ। चौकोर कुंड के आधे भाग अर्थात ठीक बीचों बीच में सूत रखकर उसे किसी कोण की सीमा तक ले जाएं। मध्य भाग से कोण तक ले जाने में सामान्य दिशाओं की अपेक्षा वो सूत जितना बढ़ जाए, उसके आधे भाग को प्रत्येक दिशा में बढ़ाकर स्थापित करें और मध्य स्थान से उन्हीं बिंदुओं पर सूत को सब ओर घुमावे तो गोल आकार बन जाएगा। कुंडार्ध से बढ़ा हुआ जो कोण भागार्ध है उसे उत्तर दिशा में बढ़ाएं तथा उसी सीध में पूर्व और पश्चिम दिशा में भी बाहर की ओर यत्न पूर्वक बढ़ाकर चिन्ह कर दें। फिर मध्य स्थान में सूत का एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशा वाले चिन्ह पर रखें और उसे दक्षिण की ओर से घुमाते हुए पश्चिम दिशा के चिन्ह तक ले जाएं। इससे अर्धचंद्राकार चिन्ह बन जाएगा। फिर उस क्षेत्र को खोदने पर सुंदर अर्धचंद्र कुंड तैयार हो जाएगा। कमल की आकृति वाले गोल कुंड की मेखला पर दलाकार चिन्ह बनाए जाएं। होम के लिए एक सुंदर स्नूप तैयार करें जो अपने बाहु दंड के बराबर हो। उसके दंड का मूल भाग चतुरस्त्र हो। उसका माप 7 या 5 अंगुल का बताया गया है। उस चतुरस्त्र के तिहाई भाग को खुदवाकर गर्त बनावे। उसके मध्य भाग में उत्तम शोभायमान वृत्त हो। उक्त गर्त को नीचे से ऊपर तक तथा अगल बगल में बराबर खुदावे। बाहर का अर्ध भाग छील कर साफ करा दें, उस पर रंदा करा दें। चारों ओर चौथाई अंगुल जो शेष के आधे का आधा भाग है भीतर से भी छील कर साफ चिकना करा दें। शेषार्ध भाग द्वारा उक्त खात की सुंदर मेखला बनवावे। मेखला के भीतरी भाग में उस खात का कंठ तैयार करावे जिसका सारा विस्तार मेखला की 3/4 के बराबर हो। कंठ की चौड़ाई 1 या 1.5 अंगुल के माप की हो। उक्त स्वरूप के अग्रभाग में उसका मुख रखें जिसका विस्तार 4 या 5 अंगुल का हो। मुख का मध्य भाग 3 या 2 अंगुल का हो। उसे सुंदर एवं शोभायमान बनाया जाए। उसकी लंबाई भी चौड़ाई के ही बराबर हो। उस मुख का मध्य भाग नीचा और परम सुंदर होना चाहिए। सुर्ख के कंठ देश में एक ऐसा छेद रहे जिसमें कनिष्ठ का अंगुली प्रविष्ट हो जाए। कुंड अर्थात सुरुख के मुख का शेष भाग अपनी रुचि के अनुसार विचित्र शोभा से संपन्न किया जाए। सुरुख के अतिरिक्त एक सुरुवा भी आवश्यक है जिसकी ऊंचाई दंड सहित 1 हाथ की हो। उसके डंडे को गोल बनाया जाए। उस गोल डंडे की मोटाई 2 अंगुल की हो। उसे खूब सुंदर बनाना चाहिए। सुरुवा का मुख भाग कैसा हो ये बताया जाता है। थोड़ी सी कीचड़ में गाय अथवा बछड़े का पैर पड़ने पर जैसा पद चिन्ह उभर आता है ठीक वैसा ही सुरुवा का मुख बनाया जाए, अर्थात उस मुख का मध्य भाग 2 भागों में विभक्त रहे। उपर्युक्त अग्निकुंड को गोबर से लीप कर उसके भीतर की भूमि पर बीच में 1 अंगुल मोटी 1 रेखा खींचे जो दक्षिण से उत्तर की ओर गई हो। उस रेखा को वज्र की संज्ञा दी गई है।
उस प्रथम उत्तरार्ग रेखा पर उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्व में दो पूर्वाग्र रेखाएं खींची। इन दोनों रेखाओं के बीच में पुनः तीन पूर्वाग्र रेखाएं खींची। इनमें पहली रेखा दक्षिण भाग में हो और शेष दो क्रमशः उसके उत्तरोत्तर भाग में खींची जाए। मंत्रज्ञ पुरुष इस प्रकार उल्लेखन रेखाकरण करके उस भूमि का अभ्युरक्षण सेचन करें। फिर प्रणव के उच्चारण पूर्वक भावना द्वारा एक विस्टर आसन की कल्पना करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्ति का आवाहन एवं स्थापन करें। देवी के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। वे दिव्य रूप वाली हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हैं। तत्पश्चात ये चिंतन करें कि देवी को संतुष्ट करने के लिए अग्निदेव के रूप में साक्षात श्रीहरि पधारे हैं। साधक उन दोनों का पूजन करके शुद्ध कांस्यादि पात्र में रखी और ऊपर से शुद्ध कांस्यादि पात्र द्वारा ढकी हुई अग्नि को लाकर क्रव्याद अंश को अलग करके इक्षणादि से शोधित उस अग्नि को कुंड के भीतर स्थापित करें। तत्पश्चात उस अग्नि में प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के अग्रभाग के बराबर की समिधाएं देकर कुशों द्वारा तीन बार परिसमूहन करें। फिर पूर्वादि सभी दिशाओं में कुशास्तरण करके अग्नि की उत्तर दिशा में पश्चिम से आरंभ करके क्रमशः पूर्वादि दिशा में पात्रासादन करें। समिधा, कुशा, श्रुकु, श्रुवा, आंजस्थाली, चरुस्थाली तथा कुच्छाशादित घी, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणी पात्र आदि वस्तुएं रखें। इसके बाद प्रणीता को सामने रखकर उसे जल से भर दें और कुशा से प्रणीता का जल लेकर प्रोक्षणी पात्र का प्रोक्षण करें। तदनंतर उसे बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में ग्रहित प्रणीता के जल से भर दें। प्रणीता और हाथ के बीच में पवित्री का अंतर रखना चाहिए। प्रोक्षणी में गिरते समय प्रणीता के जल को भूमि पर नहीं गिरने देना चाहिए। प्रोक्षणी में अग्निदेव का ध्यान करके उसे कुंड की योनि के समीप अपने सामने रखें। फिर उस प्रोक्षणी के जल से आसादित वस्तुओं को तीन बार सींच कर समिधा के बोझ को खोलकर उसके बंधन को सरका कर सामने रखें। प्रणीता पात्र में पुष्प छोड़कर उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करके उसे अग्नि से उत्तर दिशा में कुश के ऊपर स्थापित कर दें और अग्नि तथा प्रणीता के मध्य भाग में प्रोक्षणी पात्र को कुशा पर रख दें। तदनंतर आज्यस्थाली को घी से भरकर अपने आगे रखें। फिर उसे आग पर चढ़ाकर संप्लवन एवं उत्पवन की क्रिया द्वारा घी का संस्कार करें। उसकी विधि इस प्रकार है। प्रादेश मात्र लंबे दो कुश हाथ में लें। उनके अग्रभाग खंडित न हुए हों तथा उनके गर्भ में दूसरा कुश अंकुरित न हुआ हो। दोनों हाथों को उत्तान रखें और उनके अंगुष्ठ एवं कनिष्ठका अंगुली से उन कुशा को पकड़े रहें। इस तरह उन कुशा द्वारा घी को थोड़ा थोड़ा उठाकर ऊपर की ओर तीन बार उछालें। प्रज्वलित तृण आदि लेकर घी को देखें और उसमें कोई अपद्रव्य खराब वस्तु न हो उसे निकाल दें। उसके बाद तृण अग्नि में फेंक कर उस घी को आग पर से उतार लें और सामने रखें। फिर श्रुक और सुश्रुवा को लेकर उनके द्वारा होम संबंधी कार्य करें। पहले जल से उनको धो लें, फिर अग्नि से तपाकर सन्मार्जन कुशों द्वारा उसका मार्जन करें। उन कुशों के अग्रभागों द्वारा श्रुक श्रुवा के भीतरी भाग का तथा मूल भाग से उनके बाह्य भाग का मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः उन्हें जल से धोकर आग से तपावें और अपने दाहिने भाग में स्थापित कर दें। उसके बाद साधक प्रणव से ही अथवा देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक होम करें। हवन से पहले अग्नि के गर्भाधान से लेकर संपूर्ण संसार अंग व्यवस्था के अनुसार संपन्न करें। मतांतर के अनुसार नामांत व्रत, व्रत बंधांत व्रत, यज्ञोपवितांत, समार्ततांत अथवा यज्ञाधिकारांत संस्कार अंगानुसार करने चाहिए। साधक सर्वत्र प्रणव का उच्चारण करते हुए पूजनोपचार अर्पित करें और अपने वैभव के अनुसार प्रत्येक संस्कार के लिए अंग संबंधी मंत्रों द्वारा ओम करें। पहला गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमोन्तनयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा चूड़ाकरण, सातवा व्रतबंध यज्ञोपवित, आठवा वेदारंभ, नौवा समावर्तन तथा दसवा पत्नी संयोग विवाह संस्कार है जो यज्ञ के लिए अधिकार प्रदान करने वाला है। क्रमशः एक एक संस्कार कर्म का चिंतन और तदनुरूप पूजन करते हुए हृदय आदि अंग मंत्रों द्वारा प्रति कर्म के लिए आठ आठ आहुतियां अर्पित करें। तदनंतर साधक मूल मंत्र द्वारा श्रुवा से पूर्णाहुति दें
उस समय मंत्र के अंत में वौषट पद लगाकर प्लुत्स्वर से स्वस्पष्ट मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस तरह वैष्णव अग्नि का संस्कार करके उस पर विष्णु देवता के निमित्त चरु पकावे। वेदी पर भगवान विष्णु के स्थापना एवं आराधना करके मंत्रों का स्मरण करते हुए उनका पूजन करें। अंग और आवरण देवताओं सहित इष्ट देव श्रीहरि को आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीति से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर गंध पुष्पों द्वारा अर्चना करके सूर्यश्रेष्ठ नारायण देव का ध्यान करने के अनंतर अग्नि में समिधा का आधान करें और अग्निश्वर श्रीहरि के समीप आधार संज्ञक दो धृताहुतियां दें। इनमें से एक को तो वायव्य कोण में दें और दूसरी को नैमृत्तिक कोण में, यही इनके लिए क्रम है। तत्पश्चात आज्य भाग नामक दो आहुतियां क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में दें। उनमें अग्निदेव के दाएं बाएं नेत्र की भावना करें। शेष सब आहुतियों को इन्हीं के बीच में मंत्रोच्चारण पूर्वक देना चाहिए। जिस क्रम से देवताओं की पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए आहुति देने का विधान है। घी से इष्टदेव की मूर्ति को तृप्त करें। इष्टदेव संबंधी हवन संख्या की अपेक्षा दशांश से अंग देवताओं के लिए होम करें। धृत आदि से, समिधाओं से अथवा धृताक्त तिलों से सदा यजनीय देवताओं के लिए एक एक सहस्र या एक एक शत आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होमांत पूजन समाप्त करके स्नान आदि से शुद्ध हुए शिष्यों को गुरु बुलाकर अपने आगे बिठावे। वे सभी शिष्य उपवास व्रत किए गए हों, उनमें पाशबद्ध पशु की भावना करके उनका प्रोक्षण करें। तदनंतर उन सब शिष्यों को भावना द्वारा अपने आत्मा से संयुक्त करके अविद्या और कर्म के बंधनों से आबद्ध हो लिंग शरीर का अनुवर्तन करने वाले चैतन्य जीव का, जो लिंग शरीर के साथ बंधा हुआ है, ध्यान मार्ग से साक्षात्कार करके उसका सम्यक प्रोक्षण करने के पश्चात वायु बीज यह के द्वारा उसके शरीर का शोषण करें। इसके बाद अग्नि बीज र के चिंतन से अग्नि प्रकट करके ये भावना करें कि ब्रह्मांड संज्ञक हमारी सृष्टि दग्ध होकर भस्म की पर्वताकार राशि के समान स्थित है। तत्पश्चात भावना द्वारा ही जल बीज व के चिंतन से अपार जल राशि प्रकट करके उस भस्म राशि को बहा दें और संसार अब वाणी मात्र में ही शेष रह गया है ऐसा स्मरण करें। तदनंतर वहां लं बीज स्वरूपा भगवान की पार्थिव शक्ति का न्यास करें। फिर ध्यान द्वारा देखें कि समस्त तन्मात्राओं से आवृत शुभ पार्थिव तत्व विराजमान है। उससे एक अंड प्रकट हुआ है जो उसी के आधार पर स्थित है और वहीं उसका उपादान भी है। उस अंड के भीतर प्रणव स्वरूपा मूर्ति का चिंतन करें। तदनंतर अपने आत्मा में स्थित पूर्व संस्कृत लिंग शरीर का उस पुरुष में संक्रमण करावे, अर्थात ये भावना करें कि वो पुरुष लिंग शरीर से युक्त है। उसके उस शरीर में सभी इंद्रियों के आकार पृथक पृथक अभिव्यक्त हैं तथा वो पुरुष क्रमशः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। फिर ध्यान में देखें कि वो अंड एक वर्ष तक बढ़कर और पुष्ट होकर फूट गया है। उसके दो टुकड़े हो गए हैं, उसमें ऊपर वाला टुकड़ा द्योलोक है और नीचे वाला भूलोक। इन दोनों के बीच में प्रजापति पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार वहां उत्पन्न हुए प्रजापति का ध्यान करके पुनः प्रणव से उस शिशु रूप प्रजापति का प्रोक्षण करें। फिर यथा स्थान पूर्वोक्त न्यास करके उनके शरीर को मंत्रमय बना दें। उनके ऊपर विष्णु हस्त रखें और उन्हें वैष्णव माने। इस तरह एक अथवा बहुत से लोगों के जन्म का ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष करें। शिष्यों के भी नूतन दिव्य जन्म की भावना करें। तदनंतर मूल मंत्र से शिष्यों के द्वारा हाथ पकड़कर मंत्रोपदेष्टा गुरु नेत्र मंत्र सौष्ठव के उच्चारण पूर्वक नूतन एवं छिद्र रहित वस्त्र से उनके नेत्रों को बांध दें। फिर देवाधिदेव भगवान की यथोचित पूजा संपन्न करके तत्वज्ञ आचार्य हाथ में पुष्पांजलि धारण करने वाले उन शिष्यों को अपने पास पूर्वाभिमुख बैठावे। इस प्रकार गुरु द्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे शिष्य भी श्रीहरि को पुष्पांजलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारों से उनका पूजन करें। तदनंतर पुनः वासुदेव की अर्चना करके वे गुरु के चरणों का पूजन करें। दक्षिणा रूप में उन्हें अपना सर्वस्व अथवा आदि संपत्ति समर्पित कर दें। इसके बाद गुरु शिष्यों को आवश्यक शिक्षा दें और वे शिष्य नाम मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करें। फिर मंडल में विराजमान शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विश्वक्सेन का यजन करें, जो द्वारपाल के रूप में अपनी तर्जनी अंगुली से लोगों को तर्जना देते हुए अनुचित क्रिया से रोक रहे हैं। इसके बाद श्रीहरि की प्रतिमा का विसर्जन करें। भगवान विष्णु का सारा निर्माल्य विश्वक्सेन को अर्पित कर दें। तदनंतर
प्रणीता के जल से अपना और अग्निकुंड का अभिषेक करके वहां के अग्निदेव को अपने आत्मा में लीन कर लें। इसके पश्चात विश्वक्सेन का विसर्जन करें। ऐसा करने से भोग की इच्छा रखने वाला साधक संपूर्ण मनोवांछित वस्तु को पा लेता है और मुमुक्षु पुरुष श्रीहरि में विलीन होता है, सायुज मोक्ष प्राप्त करता है।